छिंदवाड़ा जिला के चौरे थाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हेरी के ग्राम केटिया का मामला है। 25 जून दिन मंगलवार को दोपहर लगभग 2 बजे आदिवासी समाज के हजारों लोगों द्वारा आदिवासी नेता व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव विधायक प्रत्याशी देवराबेन भलावी के नेतृत्व में विशाल रैली निकालकर चौरही थाना के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। देवराबेन भलावी ने पुलिस थाना प्रभारी चौरे से कहा कि अपने जो धारा लगाए हैं उनके बारे में आदिवासी समाज को समझाए और संतुष्ट करके आंदोलन समाप्त कराए, लेकिन पुलिस प्रशासन SC ST सहित अन्य धाराओं को मौखिक रूप से आदिवासियों को समझाने में नाकाम रही। आपको बता दें कि मामला 3 जून का है, जहाँ पर पुलिस थाना चौरे की ग्राम पंचायत हिरी के अंतर्गत आने वाला गाँव ग्रेटिया में 4 महीने की गर्भवती आदिवासी महिला को मामूली कचरा फेंकने को लेकर आरोपी राधेश्याम रघुवंशी ने प्राणघात हमला किया था, जिससे महिला के सिर में 3 जगह गंभीर चोट आई, जिसमें 3 जगह टाके लगे हैं। एक पैर एक हाथ की हड्डी फ्रैक्चर थी। शरीर का निचला हिस्सा काला पड़ गया था क्योंकि लात घुसे और गंभीर चीज से हमला किया गया था। यह घटना 4 साल की बेटी देख रही थी। महिला बेहोश थी। परिजनों ने बीच बचाव कर 15 दिन अस्पताल में रखा था। यह घटना 3 जून की है और आज 25 जून है। पूरे 23 दिन में आरोपी को 2 बार गिरफ्तार करके वापस छोड़ दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि पुलिस ने हेरा फेरी करते हुए सामान्य धारा में मामला कायम किया है। आदिवासी समाज ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि चांद और चौरी थाना नेताओं और पटेलों की गुलामी में दिन है। यहाँ प्रशासन इसी तरह से एक पक्षीय कार्रवाई करके अमीरों पैसे वालों को संरक्षण करती है, इसलिए हमें इस थाना में विश्वास नहीं है करके पुलिस थाना के सामने गेट में ही ज्ञापन को फाड़कर फेंक दिया गया। गोंडवाना नेता देवराबेन भलावी एवं समस्त आदिवासी समाज द्वारा आगामी 15 जुलाई को चौरे में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है और आदिवासियों की सुनवाई हेतु अजाक थाना में अतिरिक्त सेल की गठन की मांग करेगा, जिससे आदिवासी संबंधित प्रत्येक मामले में धांधलियों से बचा जा सके। इस दौरान आंदोलन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित भाजपा कांग्रेस के आदिवासी नेता उपस्थित रहे। जिसमें तरफ से थाना में FIR की गई और पटेलदार कार्रवाई की गई थी और उसमें कुछ उनकी मांगें थी कि कुछ धाराएं बढ़ाई जाए, तो उस संबंध में हमने बताया कि भाई मेडिकल रिपोर्ट जो भी आया उससे कार्रवाई कराई जाएगी, दूसरी तरफ से जो भी बाद में रिपोर्ट आएगी धारा बढ़ाई जाएगी, धारा बढ़ाने या कम करने की कार्रवाई मेडिकल या बाद में भी कम करनी पड़ेगी। हाँ जी, बात तो बोल रहे थे वो कि हादसे से बढ़ाई जाए या आपसे भी गिरफ्तारी की जाए, तो जिनसे धारा में अभी कायमी हुई उससे हमने जो कार्रवाई होती है विधि वो की और मेडिकल में हमने ये क्वेरी की भाई उससे जो भी आएगा उसका कार्रवाई की। हाँ, जैसा भी अभी मामला विवेचना में उसमें जो भी अभी और तथ्य हैं उसकी कार्रवाई की। आशासन यही है कि जो बिजीपुर में कार्रवाई हमने पहले भी की और अभी भी उसमें जो भी तथ्य हैं उस पर कार्रवाई करके सीख ली हम उसमें कार्रवाई करेंगे। घटना दिनांक के तुरंत बाद ही हमने FIR भी की, जो मैंने बताया आपको तत्काल FIR की गई, उसमें जो तत्काल महिला को हॉस्पिटल भेजा गया उनमें जो प्राथमिक हमने FIR की और अभी जो बाद में मेडिकल में हमने क्वेरी भी की अगर कोई यही चोट या कोई हंसी चोट आती है तो हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनको हमने जो उसमें आरोपी था उसको हमने 151 में भी भेजा था, तो वहीं हमने कार्रवाई अभी भी की और आगे भी जो उसमें कार्रवाई। देखिए, आज चौरे के अंदर एक चौरे थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक गर्भवती महिला को उसकी छोटी सी बच्ची के सामने एक राधेश्याम रघुवंशी नामक एक व्यक्ति ने बहुत दर्दनाक तरीके से मारा। उसके सर पे 3 जगह चोट आई, उसका एक हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर और पूरा शरीर में काला धब्बा बन गया। इतना भयानक तरीके से लात और घूंसे मारा। मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी, धारा 307 की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ST SC Act सहित हल्की मामले की धारा, हल्की धारा लगा दिया, जिसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती और उसमें मामले को खत्म कर दिया गया। आज यहाँ पर आंदोलन किया हमने और प्रशासन से पूछा कि आपने धारा 506 IPC की लगाया, नॉर्मल धारा लगाया, आपने 307 क्यों नहीं लगाया, आप हमें धारा के बारे में बताओ। पुलिस प्रशासन ने धाराओं के बारे में नहीं बताया। हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि आप लिख के दीजिए कि आरोपी फिर से छूट गया है और हमें मारने की धमकी दे रहा है, उन माताओं बहनों को मारने की धमकी दे रहा है, आप लिख के दीजिए कि वो धमकी नहीं देगा और उसकी गिरफ्तारी करेंगे और धारा 307 IPC के आप एड करेंगे। तो प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा था, ना उन्होंने उनके द्वारा लगाई गई धारा के बारे में बताया, ना गिरफ्तारी के बारे में लिख के दे रहे हैं और ना ही हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारे द्वारा जो आवेदन हमने ले गए थे उस आवेदन को हमने वही थाने के समक्ष फाड़ा और थाना का पैर पड़ के हमने बोला ये थाना पूरी तरीके से
यहाँ के नेता नगरी और पटेलों के चंगुल में आ गया है। पिछले मामले में भी इस थाना से जो चलाने आज तक पेश नहीं हुई, और ये थाना जो है पूरी तरीके से नेताओं के चंगुल में, इसलिए हमने वही ज्ञापन फाड़ के और हमने आज बहुत बड़ा आंदोलन 15 जुलाई को करने की चेतावनी दी है, जिसमें इस क्षेत्र के सांसद जो पीला गमछा डाल के संसद भवन में गए थे उनको भी आमंत्रित करेंगे, पूरे विधायकों को आमंत्रित करेंगे जो कांग्रेस से बने हैं, और गोंडवाना के पूरा नेता, पूरा आदिवासी समाज यहां पर एकत्रित होकर ये चौरे थाना हटाने की मांग करेंगे। या तो इस थाना को आप बड़ा रूप दीजिए, ईमानदार पुलिस प्रशासन को लाइए, अन्यथा इस थाने को हटाने की मांग को लेकर आप धरना प्रदर्शन करेंगे। इन मांगों को लेकर हम एकत्रित हुए थे। एनबीसी न्यूज के लिए चौरे से राजेश उइके की रिपोर्ट।